वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। लेट्स गो टू द क्लासरूम टू डिस्कस इट। अब है कि सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं सभी जो कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाएं, रेजिस्टेंस का क्या सिंबल है? रेजिस्टेंस को हम जब सर्किट डायग्राम में लगाएंगे तो ऐसे ये आर लिखेंगे। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको आप रियोस्टैट भी कहते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट, ये जो है ये भी हमारे पास ऐसे आएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसे होगा तो इसको डिनोट करेंगे आर एच से। ओके, उसके बाद बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करने का तरीका है ये। उसके बाद स्विच या की, जिसे आप की या फिर स्विच, ओपन जब होगा तो तब उसको आप ऐसे करोगे, ये है ओपन। तो जब की या फिर स्विच जो है वो क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड फार ओपन के लिए ये आएगा, फार क्लोज के लिए ये आ जाए, बीच में एक पॉइंट लगा दो। उसके बाद वायर, वायर को आप लगाओगे सीधी एक लाइन, कनेक्टिंग वायर। उसके बाद आप सेल को लगाओगे तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाले को बड़ा, नेगेटिव वाले को छोटा। बैटरी, बैटरी इज द अरेंजमेंट व्हेन टू आर मोर सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। तो सेल्स को दो या दो से ज्यादा सेल को, ये मैंने पहला सेल लगा दिया, ये मैंने दूसरा सेल लगा दिया, आप इससे बड़ा जितना मर्जी इसको बड़ा ले सकते हो सेल, ये आ गया बैटरी। ये हमारे पास आगे जो सिंबल्स हम कहां यूज करेंगे, सर्किट डायग्राम में। अब सर्किट डायग्राम क्या होती है, ये सारे सिंबल्स आप नोट कर लो, इन्हीं से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएं? सर्किट डायग्राम क्या होती है पहले ये बताओ ना जी। सर्किट डायग्राम वो डायग्राम जिसमें हम क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल्स को लेके, कि कैसे करंट फ्लो करती है ये बताते हैं, तो उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। यानी कि डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंडक्टिंग मटीरियल्स या वेरियस कंडक्टिंग मटीरियल्स, कौन कौन से, जैसे वायर्स हो गया, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, एटसेट्रा। तो इसको कैसे लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गई बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आप लंबी कर लो, यहां पे लगा लेंगे की, यहां पे लगा लेंगे बल्ब, यहां पे अगर एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर लगाना है लगा सकते हो आप, एमीटर लगाना है तो सीरीज में, और वोल्टमीटर लगाना है तो पैरेलल। तो ये की जब क्लोज होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, कल मैंने बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड से इस साइड आएगी। ये आ गया हमारे पास सर्किट डायग्राम, ये आ गई बैटरी बी, ये आ गई की के, ये एमिटर ए, और ये आ गया बल्ब, और ये जो है कंडक्टिंग वायर्स है। ये हमारे पास आ गई सर्किट डायग्राम, यानी कि जिसमें हम वेरियस कंडक्टिव मटीरियल को लेके एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, उसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। ओके, सिंबल्स भी क्लियर हो गए, सर्किट डायग्राम भी हो गई। अब हम जो सबसे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो है ओम्स लॉ। वो कौन सा है? ओम्स लॉ। स्टूडेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम्स लॉ किसने दिया था, इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, ये करना है।
ओम सलाह जो था वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। ओके स्टूडेंट, ये लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, जब फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कांस्टेंट होती है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided that physical conditions like temperature etc remains constant। ये जो temperature वगैरह है इनको अगर आप constant रखोगे तो current जो है वो directly proportional होगी potential के। अगर आप mathematically ohm's law जो है वो हो गया I is directly proportional to V या V is directly proportional to I और V हो जाएगा R I के बराबर। ओके, R क्या है, ये R जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं एक इक्वल टू लगाते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, मींस कि ये जो R है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अब हम यहां से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। आर किसके बराबर हो जाएगा, देखो वी को यहां से नीचे ले जाएंगे, ओ सॉरी आई को यहां से नीचे ले जाएंगे, आर क्या हो जाएगा वी के नीचे आ जाएगा आई। तो आर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, आर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब यहां से दो बातें क्लियर हो रही हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। मींस अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम करोगे तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगी। ये आ गया हमारे पास, यहां से दो रिलेशन हमें पता चले। अब एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इज ओम। ओम को यहां से डिनोट करेंगे, ओम का सिंबल है ये। ओके, अब यहां से इसको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं, या फिर आर वी का आ गया वोल्ट अपॉन ए का आ गया एम्पियर, यानी कि वी पर ए भी लिख सकते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस का ये आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल डेरिवेशन। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।
इसके लिए ये जो मैंने सर्किट डायग्राम आपके सामने बना दिया है, इसमें क्या होती है, पहले आ गई सर्किट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन। सर्किट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसमें, तो इसमें आपको सामने दिखेगा कि सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी बी, इट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी बी, अकी के रियोस्टैट आर एच, रियोस्टैट आर एच, एमीटर ए, वोल्टमीटर वी, एंड रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर। नो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज जैसे आपको बताया था, एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल जैसे बताया था। ये आ गया हमारे पास सर्किट डायग्राम की अरेंजमेंट। अब आ गया इसका वर्किंग कि ये काम कैसे करेगा, हाउ इज इट वर्क, ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करें। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आर एच हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो हम आर एच से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को सेट करते रहेंगे। जब हम रेजिस्टेंस को सेट करेंगे तो की के को क्लोज करेंगे। सबसे पहले जब हम की के को क्लोज करेंगे तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, और ये जो करंट फ्लो करेगी इसकी हम वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब हम करंट को क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो हम करंट की वैल्यू को एमीटर से डाउनलोड करेंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगी उसको वोल्टमीटर से नोट करते हैं। वोल्टमीटर से द वैल्यू ऑफ करंट विल बी नोटेड फ्रॉम द एमीटर एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नोटेड फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इन वैल्यू के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्टूडेंट्स ये आ गया वी, ये आ गया आई, आई की वैल्यू ऐसे, V की वैल्यू ऐसे, इनके बीच ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रूफ करता है किसको, ओम्स लॉ को, यानी कि व्हेन करंट इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस। तो ये वेरीफाई कर रहा है किसको, ओम्स लॉ को। ये आ गई ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सर्किट डायग्राम आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर लो, इसी से कंस्ट्रक्शन लिखनी है और वर्किंग भी इसी के बेस पे है। आपने लिखना है व्हेन की के इज क्लोज्ड एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, द वेरियस वैल्यूज ऑफ द करंट आर नोटेड फ्रॉम एमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आर नोटेड फ्रॉम द वोल्टमीटर, एंड ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई, दैट इज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दिस प्रूव्स आर दिस वेरीफाइज द ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ओम्स लॉ तक। अब नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके।